फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि मार्केट क्या होता है। सो मार्केट इज ए प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विस आर एक्सचेंज, यानी कि मार्केट एक ऐसा प्लेस है, ऐसा स्थान है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गुड्स का आदान प्रदान करते हैं, मतलब कि जो भी गुड्स है उसको एक्सचेंज करते हैं। मार्केट कंसिस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स विद फैसिलिटी टू कम्युनिकेट ईच अदर फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि मार्केट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं। बायर्स मतलब कि जो खरीदने वाले हैं, सेलर्स मतलब जो प्रोडक्ट को बेचने वाले हैं, और जो कि क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है, साथ में जो भी गुड्स है उनका ट्रांजेक्शन होता है उन दोनों के बीच में। आगे इसमें हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मार्केट कौन कौन से हैं, यानी कि कॉम्पिटिशन के बेस पे जो भी मार्केट है उनको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट क्या आता है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में जो आपके स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके जो भी कॉलेज के एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, उनमें ये चीज़ें पूछ लिया जाता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है, इन दिस कॉम्पिटिशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि एक ऐसा कॉम्पिटिशन, ऐसा मार्केट जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हों। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, हम लोग सब्जी मंडी में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, यानी कि बायर्स जो उस चीज़ को खरीदने वाला है और सेलर्स जो उस चीज़ को बेचने वाला है। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या हुआ, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट ऑन दी मार्केट आर होमोजीनियस, इट्स मीन दे आर कम्प्लीटली आइडेंटिकल। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट हैं इस मार्केट में वो आपको होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मतलब कि एक जैसे, और हेट्रोजीनियस मतलब होता है जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे, मतलब कि अलग अलग प्रोडक्ट हो। फ्री एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, इट्स मीन देयर आर नो एनी टाइप ऑफ बैरियर, यानी कि इस मार्केट में कोई भी आ सकता है, जा सकता है, मतलब कि आप सेल कर सकते हो, खरीद सकते हो, किसी भी टाइप का इसमें बैरियर नहीं होता है। नो इंडिविजुअल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसमें क्या होता है कि एक कोई पर्सन है वो सोचेगा कि हाँ मैं इस प्रोडक्ट का रेट हाई कर दूं और इस प्रोडक्ट का रेट कम कर दूं, तो वो उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं जो कि एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें डिस्कशन किया जाता है कि इस प्रोडक्ट का ये रेट होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम इतना। तो इसलिए इस वाले कॉम्पिटिशन मार्केट में क्या होता है कि जो भी एक इंडिविजुअल है वो अपना एक प्राइस फिक्स नहीं कर सकता है किसी भी कॉमोडिटी का। नेक्स्ट बात करते हैं कि मोनोपोली कंपटीशन क्या होते हैं। मोनो मतलब एक, जहाँ पे एक सेलर हो और क्या होता है वो जो एक सेलर है किसी एक ही टाइप के, यानी कि जो भी प्रोडक्ट है उसको सेल करता है पूरे होल मार्केट में, यानी कि मैं कहना चाहूँगा कि ये क्या होता है, दी कंपटीशन वेयर आर ओनली वन सेलर, यानी कि एक सेलर होता है। सो ए सिंगल फर्म विल कंट्रोल दी होल मार्केट, यानी कि एक जो अकेला पर्सन होता है वो एक पूरे होल मार्केट को कंट्रोल करता है। इट कैन सेट एनी प्राइस इट विशेज सिंस इट हैज़ ऑल द मार्केट पावर, यानी कि इसमें क्या होता है जो एक वो पर्सन है वो अपने हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कमोडिटी का एक प्राइस फिक्स कर सकता है और उसके पास पूरे मार्केट का पावर होता है। क्लोज्ड एंट्री, यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन की तरह बैरियर नहीं है, एंट्री और एग्जिट नहीं है, यहाँ पे क्लोज्ड बैरियर्स हैं। आगे है, ये प्राइस मेकर है, प्राइस फिक्स करते हैं। कंज्यूमर्स डू नॉट हैव एनी अल्टरनेटिव एंड मस्ट हैव पे द प्राइस बाय द सेलर, यानी कि इस टाइप के मार्केट में क्या होता है कि कंज्यूमर जो है उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है और उनको उसी प्रोडक्ट को खरीदना पड़ता है जिसका एक फिक्स रेट होता है। आगे है नेक्स्ट हमारा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। सो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या होता है, इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एज वेल एज सेलर्स, यानी कि इस कॉम्पिटिशन में क्या होता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, ये होता है हमारा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। दे ऑल डू नॉट सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन है, जो भी यानी कि सेल कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, तो सब प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं होता है, एक जैसे नहीं होते हैं। दी प्रोडक्ट आर सिमिलर बट ऑल सेलर्स सेल स्लाइटली डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, यानी कि देखिए इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट तो सेम ही हो सकते हैं, मतलब कि क्या होता है, द प्रोडक्ट आर सिमिलर, एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, बट ऑल सेलर सेल स्लाइटली डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, उस जो भी प्रोडक्ट है वो बिल्कुल उससे अलग होगा। मान लीजिए एक मार्केट है
जहाँ पे ओनली सीड वगैरह बेचा जाता है। तो वहाँ पे एक जो दुकानदार होगा वो ओनली राइस के सीड को, मतलब कि राइस नहीं देते हम लोग, मान लीजिए बाजरा है हमारा, तो बाजरा के सीड को बेचेगा। एक दूसरा दुकान है, मान लीजिए वो क्या करेगा, वो गेहूँ की सीड को बेचेगा। तीसरा है वो मक्का के उसको बेचेगा। चौथा है वो कीटनाशक दवाइयाँ बेचेगा। तो ये इसमें होता है कि मिलते जुलते प्रोडक्ट होते हैं लेकिन टोटली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं एक दूसरे से। फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट एज ए परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी। आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सीरियल्स इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, नहीं सीरियल्स हो सकता है इसका, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में एग्जाम्पल लेते हैं। द प्रोडक्ट आर ऑल सेम बट स्लाइटली डिफ्रेंशिएटेड इन टर्म ऑफ टेस्ट, यानी प्रोडक्ट तो सेम होते हैं लेकिन उनके टेस्ट में अंतर होते हैं। नेक्स्ट है ओलिगोपोली कॉम्पिटिशन। ओलिगोपोली कॉम्पिटिशन क्या होता है? इट इज डेट फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देर आर ए फ्यू फर्म्स सेलिंग ए प्रोडक्ट सो डेट देर इज ए इंटेंस कॉम्पिटिशन अमंग देम। यानी कि इसमें क्या होते हैं कि कुछ फ्यू फर्म्स, यानी जो कुछ लोग होते हैं, कुछ फ्यू सेलर्स वहाँ पर बैठते हैं जो कि प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जिससे क्या होता है कि इंटेंस कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है दो सेलर्स के बीच में। दी बायर्स आर फोर ग्रेटर देन दी सेलर्स, इसमें क्या होता है कि जो बायर्स होते हैं वो सेलर्स के कंपेरिजन में ज़्यादा होते हैं। बैरियर टू एंट्री, इसमें बैरियर होता है एंट्री में, और इंटेंस कॉम्पिटिशन होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में क्या जाना कि मार्केट क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसमें हम लोगों ने जाना कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, आगे मोनोपोली कॉम्पिटिशन क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या होता है, और ओलिगोपोली कॉम्पिटिशन क्या होता है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो हैं वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी आ चुके हैं, बहुत सारे जो आप लोग GRF या फिर BHU वगैरह का एग्जाम देते हैं तो उसमें आप लोगों से ये चीज़ें पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मार्केट, प्लीज़ मेंशन देम। और कई बार आप अपना एग्जाम देते हैं सिंपली यूनिवर्सिटी वगैरह का, उसमें पूछ लिया जाता है कि टाइप्स ऑफ मार्केट, प्लीज डिफ्रेंशिएटेड ऑल द टाइप्स ऑफ मार्केटेड। सो ये चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और किसी भी टाइप का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर डालें। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और साथ में यदि इस लेक्चर का PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाइए, इसको ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।